वाले का दुकान बंद है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, हम नहीं लग रहा ना। लाइक करें, सब्सक्राइब। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? तो यहाँ पे था मेरा फ़ोन, इतना दिन से, कितना दिन से ढूंढ रहा था तुझे ब्लॉक करने के लिए यार, क्या ही बताऊँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ योर होस्ट ब्लॉगर इन द सिटी। और गाइस, आज ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत ही लंबा अरसा है। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई नो आई एम वेरी लेट, बट ये मेरे साल का पहला ब्लॉग है तो हैप्पी न्यू ईयर तो बनता है। और हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह ब्लॉग करने, कुछ इनोवेटिव सा है भागलपुर शहर में, हमारे शहर में, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं ब्लॉग करने। और एक छोटा सा कियोस्क है, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, फूड ब्लॉग करने वाले हैं ये वाला, एक छोटा सा कियोस्क पे जा रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल फूड है तो वहाँ पे चलते हैं। और मैंने प्रधान को बुला लिया है क्योंकि लास्ट ब्लॉग में भी वो था 3 महीने पहले, तो उसको मैंने अप्रोच किया तो वो बोला ठीक है भाई आता हूँ, तो वो भी आ रहा है और हम लोग मिलेंगे कोतवाली पे। तो चलते हैं यहाँ से सीधा प्रधान के पास। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नए साल में अच्छे से इन्जॉय किए होंगे। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हे गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कोतवाली से आगे और चलते हैं कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले के पास ब्लॉग करने। और आज प्रधान आया है, लास्ट ब्लॉग भी जो था इसी के साथ था और आज भी प्रधान, तो कैसा लग रहा है 2-2.5 महीने के बाद ब्लॉग में आके? आई गेस 90 दिन हो गया होगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलते हैं अभी हम लोग यहाँ पर से छोला कुलचा वाले दिख रहे हैं, वहीं से आगे थोड़ा सा कुल्लड़ पिज़्ज़ा, और बहुत दिन से देख रहे थे कुल्लड़ पिज़्ज़ा का स्टॉल जो है, कियोस्क कहिए स्टॉल कहिए, बहुत दिन से देख रहे थे, बहुत दिन से मन था कि जाके खाते हैं। वैसे भी वायरल कपल वाला जो कुल्लड़ पिज़्ज़ा सबने देखा होगा, यहाँ का अभी हम लोग जाके ट्राई करते हैं कैसा है। नहीं देखो इंस्टाग्राम पर, तो यहाँ का हम लोग जाके अभी ट्राई करते हैं कि कैसा है और बताते हैं कितने का मिलता है, क्या टेस्ट है, सब कुछ आपको बताते हैं। तो गाइज, हम लोग कुल्लड़ पिज़्ज़ा खाने आए थे बट पीछे मेरे जो है कियोस्क, वो कुल्लड़ पिज़्ज़े वाले का दुकान बंद है, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ आगे देखने मार्केट में, आई गेस। The next day. तो गाइज, आ चुके हैं हम लोग खलीफा बाग के साइड से, एक्चुअली खलीफा बाग में कुछ काम था प्रधान और हमको दोनों को, तो हम लोग चले गए थे वहीं पे। क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? और सामने मेरे कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला है तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। गाइज, हम लोग चलते हैं अब कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाले के यहाँ और चल के वहाँ पे पता करते हैं क्या कितना रेट में मिलता है, कैसे मिलता है। वैसे देखो कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला स्टॉल, तो यही है कियोस्क और लोकेशन इसका यही गोदरेज के सामने जस्ट। तो प्रधान, कैसा लग रहा है कि इतना भीड़ में, कितना देर में मिलेगा, क्या लगता है? ऐसा लग रहा है कि कोरोना होगा। क्या कितना देर में मिलेगा, क्या लगता है तुमको? और अभी तक हम लोग ऑर्डर नहीं किए, अभी भैया बना रहे हैं। भाई आपके ब्लॉगर ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया। हाँ, ऑर्डर नहीं किया एक्चुअली, और भैया बना रहे हैं एक्चुअली, बहुत भीड़ है, तो उनसे बात भी करेंगे थोड़ा सा और उनसे पूछेंगे कितने का मिलता है। ऐसे जैसा प्रधान बता रहा था 60 और 80 का मिलता है, बट आई एम नॉट श्योर, उनसे बात करने के बाद पता करेंगे। और कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो सब भी आपको बताते हैं। और चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो बहुत दिन के बाद डाल रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ करना, सुनना नहीं। हाँ, करना क्यों, कितने का दिए एक कुल्हड़ पिज्जा? 60 का। और कब से लगा रहे हैं आप, कब से लगा रहे हैं? हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। और ये वाला जो अभी यहाँ पे, ये वाला कुल्हड़ कितने का है? 80 रुपया का। और दो कुल्हड़ बेचते हैं मतलब, है ना? 60। अच्छा, मैगी भी बेचते हैं। अच्छा, कुल्हड़ में उपलब्ध होने की वजह से अभी दोनों ने। ओके, तो सब कुछ कुल्हड़ में बेचते हैं? सारा कुल्हड़ पिज्जा, सारा कुछ। अच्छा, पास्ता वास्ता भी कुल्हड़ में बेच रहे हैं? सारा कुल्हड़। अच्छा, प्लेट आता है पास्ता का। अच्छा, और कहाँ से आप, मतलब अपने से सीखे हैं या कहीं बाहर से सीख के आए हैं? नोएडा से सीख के आए हैं। तो गाइस, पूरा चीज का स्टफिंग, अभी चीज डाले, देन उसके ऊपर ये जो मिक्सचर बनाए वो डालें और फिर से उसके ऊपर चीज डालेंगे अभी। गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग का पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी इस पर मतलब कुल्हड़ को आग में लगाया जा रहा है, उसमें चीज़ मेल्ट कराने के लिए, और देखते होंगे चीज़ ओवरलोडेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ दिया गया है। इतना चीज़ है जो कोई नहीं, तो किस्मत में भी कुछ अच्छा चीज़ होगा तब इतना चीज़ खाएंगे तो। हाँ, तो इतना चीज़ हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग के, अब आई डोंट नो कुछ अच्छा हो जाए हम लोग के साथ। तो गाइस, बस हम लोग का अब रेडी होने वाला है, हम लोग को मिलने वाला है, और अभी एक भैया हम लोग के सामने, तो इनसे बात करते हैं कब से खा रहे हैं या कैसे आए, कैसे पता चला। भैया, सबसे पहले आपका नाम? विवेक नाम मेरा।
अच्छा भैया, तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं जी? अच्छा, तो आप किसी के रिकमेंडेशन पे आए हैं? जी, मेरी सिस्टर है। अच्छा, उन्होंने बताया आपको? तो गाइस, फाइनली 45 मिनट्स वेट करने के बाद हम लोग का आ चुका है और ये प्रधान ने पहला बाइट ले लिया। प्रधान, देखने में कैसा लग रहा है कुल्लड़ पिज्जा? फिलहाल देखने में अच्छा लग रहा है। और तुमने ट्राई भी किया इसने? तो ये कुल्लड़ पिज्जा, उसने चीज ट्राई किया और अभी इसको ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा फीलिंग्स एंड क्या क्या है। और इसमें पनीर एंड ऑल सब कुछ डाला हुआ है, वेजीज डाला हुआ है, पनीर भी डाला हुआ है, मेरे सामने ही डाले हैं। और घी में उन्होंने सबसे पहले उसको फ्राई किया था। ये गाइस चीज़ पुल, हम लोग का चीज़ पुल इज़ अ मस्ट। इतना चीज़ पुल आ रहा है, पिज़्ज़ा लवर्स जानते हैं चीज़ पुल कितना मस्त होता है। और इंटरेस्टिंग है गाइस, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट लिटरली अच्छा लग रहा है। तो गाइज, अभी हम लोग फाइनली खा चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। पेमेंट भी कर दिया एंड पेमेंट भी हो चुका है। प्रधान, कैसा लगा? टेस्ट वर्थ इट था। हाँ, टेस्ट वर्थ इट था। भैया बता रहे थे और भी सैंडी से एक बार प्लीज आप लोग आओ, मिनिमम टेस्ट करो, एक बार एक बार आके टेस्ट करो। एक बार अच्छा लगे तो बार बार टेस्ट करो, अच्छा लगता है तो बाकी आओ बार बार। वैसे कंसेप्चुअल ईटिंग है। हाँ, तो और भैया बता रहे थे सैंडी से ऑल के पास 100 में देते हैं, तो भैया का रेट सबसे कम है 100 में देखा था। तो आई गेस इन्होंने ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है कुल्लड़ पिज्जा का भागलपुर में, जैसे छोला कुलचा के रावण जो है पीछे, रावण छोले कुलचे वाले, उन्होंने किया था। तो आओ भैया को सपोर्ट करो। भैया का टेस्ट वैसे टेस्ट काफी अच्छा था, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, टेस्ट काफी अच्छा था। बैक टू माय चैनल, दिस इज योर होस्ट ब्लॉगर।